गाइस, एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में भी घर के मेन दरवाजे बताएंगे। अगर दरवाजे में बताए गए डिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट डिजाइन की वीडियो आपको पहले मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, इस दरवाजे को आप अपने घर के लिए ऐसे आउटडोर में यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इसको भी आप सेम अपने घर के लिए ऐसे आउटडोर में यूज कर सकते हैं और ये भी एक बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इसके बाद ये भी बहुत ही शानदार दरवाजा है। इसमें हाफ में लोहे की सीट यूज की गई है। इसको भी आप घर के लिए एज ए आउटडोर यूज कर सकते हैं, इसको आप एज ए इंडोर यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इस दरवाजे को आप एज ए इंडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल दरवाजा है। दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दरवाजा है। इसको आप यदि घर के लिए एज ए आउटडोर में यूज करेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगा। ये एक सिंपल दरवाजा है। इसको आप घर के लिए इंडोर में यूज करें तो बेहतर रहेगा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल दरवाजा है। इसको आप घर के लिए आउटडोर में यूज करें तो बहुत ही शानदार लगेगा। इसको आप घर के लिए एज ए इंडोर यूज कर सकते हैं किचन वगैरह के लिए। ये एक बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इसको आप मंदिर वहां पर यूज कर सकते हैं। इसको भी आप एज ए घर के लिए इंडोर में यूज कर सकते हैं और आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल दरवाजा है और एक सिंपल दरवाजा है। इसको आप घर के लिए एज ए आउटडोर में यूज करें तो शानदार लगेगा। ये एक बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इसको आप घर के लिए इंडोर में ही यूज करें तो बेहतर रहेगा। इसको भी आप वैसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं और ये भी एक बहुत ही सिंपल दरवाजा है। इस दरवाजे को अगर आप घर के लिए एज ए आउटडोर में यूज करें तो इसके साथ लकड़ी का दरवाजा लगाना आवश्यक नहीं है। ये भी एज ए आउटडोर यूज कर सकते हैं और इसके साथ भी यदि लकड़ी का दरवाजा न लगाए तो चलेगा। इसको भी एज ए आप आउटडोर यूज करें लेकिन जहां पर ऊपर सलिए लगे वहां पर मच्छर जाली अवश्य लगवाएं। इसको भी आप एज ए घर के लिए आउटडोर में यूज कर सकते हैं लेकिन इसके साथ लकड़ी का दरवाजा होना आवश्यक है। इसको आप एज ए इंडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। इसको आप एज ए आउटडोर में यूज करें तो बेहतर रहेगा लेकिन इसके साथ मच्छर जाली अवश्य लगवाएं या लकड़ी का दरवाजा अवश्य लगवाएं। इस दरवाजे में जहाँ पर ऊपर सलिए लगे हैं वहाँ पर मच्छर जाली अवश्य लगवाएं। ये भी एक सिंपल दरवाजा है। इसको आप एज ए आउटडोर में यूज कर सकते हैं एज ए सिंगल डोर। इस दरवाजे को आप घर के लिए इंडोर में यूज कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। इसको आप एज ए घर के लिए
आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल दरवाज़ा है, इसको आप घर के लिए ऐसे आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल दरवाज़ा है। इसको भी सेम वैसे ऐसे आउटडोर में आप यूज़ कर सकते हैं। इस दरवाजे को आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर के लिए लकड़ी का दरवाज़ा अवश्य लगवाएं। ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल दरवाज़ा है, यदि आप इसको बनवाएंगे तो आपके घर की रौनक ही कुछ और आएगी। इसको भी आप एज ए इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा जितने भी दरवाजे आपको बताएं कैसे लगे हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।